नमस्कार, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गौ माता की। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यहाँ गोवर्धन आयुर्वेदा इस चैनल पर जो भी कोई जानकारी आपके साथ साझा करते हैं उसको पहले प्रयोग करते हैं। उस प्रयोग में हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आपके साथ साझा करते हैं। हमारा आज का विषय है, यदि किसी की नस ब्लॉक हो गई हो, खून गाढ़ा हो गया हो, खून ज़्यादा हो गया हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, टीजी लेवल बढ़ गया हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया हो, नस पर नस चढ़ती हो, हाथ पैर सुन होते हो, हाथ पैरों में दर्द होता हो, तो इन सारी समस्याओं को आप इस प्रयोग से ठीक कर लोगे। कोई बहुत महंगा, बहुत जटिल नुस्खा नहीं है, बड़ा ही सरल, बड़ा सस्ता और एकदम साधारण भाषा में आपके साथ साझा करेंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 20 ग्राम शहद लेना है, 20 ग्राम शहद, 10 ग्राम अदरक और 10 ग्राम जो है काली मिर्च, 10 ग्राम लहसुन। दोबारा से बता दूं, 30 ग्राम शहद, 10 ग्राम अदरक, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम लहसुन। इन चारों चीज़ों को, शहद को अलग से रख दो, इन तीन चीज़ों को अच्छी तरह से कूट करके खूब बारीक बना लो। खूब बारीक कूट के इसके अंदर 200 ml पानी मिला दो। अब 200 ml पानी को लोहे के बर्तन में उबलना चढ़ा दो। जब ये उबल के आधा रह जाए, इसको छान के इसके अंदर शहद मिला के इसको फ्रीज में रख लो। फ्रीज में रखना है आपको इसको, कांच की बोतल में, ठीक है। अब इसकी एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को खाना खाने के बाद या पहले, जैसा आपको ठीक लगे, खाना शुरू कर दो। और फिर जो है, आपको ज़्यादा तली हुई, ज़्यादा खट्टी ये चीज़ें नहीं खानी है। लगभग 15 दिन ये प्रयोग करना है और 15 दिन में आपकी नस हुई ब्लॉक, हार्ट की दिक्कत, छाती में दर्द, हाथ पैर सुन्न होना और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, खून गाढ़ा होना, खून बढ़ जाना, इन सारी समस्याओं को जो है 15 दिन में आप ठीक कर लोगे। और एक अच्छा रहेगा कि सप्ताह में 2 दिन आप उपवास रखो और उपवास सिर्फ लिक्विड पर रखो, सिर्फ तरल चीज़ें लो। ये नहीं कि उपवास कर दिया तो आप खूब केले खाओ, खूब सेब खाओ, खूब संतरे खाओ, या शाम को चूरमा बनवा लिया, हलवा बनवा लिया, ऐसा नहीं। और इस नुस्खे को वो लोग प्रयोग ना करें जिसके छाती में जलन होती हो, हाथ पैरों में जलन।